हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट, जो कि RRB एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मॉक टेस्ट फर्स्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। और दोस्तों, साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिप्थीरिया इज ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन डी एमिकासिन। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना आंसर जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हिप्लैश इंजरी इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए फॉल फ्रॉम ए हाइट, ऑप्शन बी एक्यूट हाइपरटेंशन ऑफ द स्पाइन, ऑप्शन सी ए ब्लो ऑन टॉप टू हैंड, ऑप्शन डी एक्यूट हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। राइट आंसर ऑप्शन ए फॉल फ्रॉम ए हाइट। Whiplash, also called neck sprain or neck strain, is injury to the neck. Whiplash is characterized by a collection of symptoms that occur following damage to the neck. In whiplash, the intervertebral joints located between a vertebra, discs and ligaments, सर्वाइकल मसल्स एंड नर्व रूट्स में बिकम डैमेज। कॉन्फ्रेंस इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन ए डिस्कशन, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी वर्कशॉप। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। Identify the correct sequence of data collection. Option A, contact, inform, consent, collect. Option B, contact, consent, inform, collect. Option C, inform, contact, consent, then collect. Option D, contact, inform, collect, then consent. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म कंसेंट एंड कलेक्ट। क्लो हैंड्स अकर इन ऑप्शन ए वर्क्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रेक्चर, बी डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर, ऑप्शन सी अल्नर नर्व इंजरी, ऑप्शन डी सडेक्स एट्रोपी। राइट आंसर ऑप्शन सी अल्नर नर्व इंजरी। क्लो हैंड्स इज ए कंडीशन इन विच योर फिंगर आर नोटिसेबली कर्व्ड और बेंट। दिस कंडीशन कैन अफेक्टेड वन और मोर ऑफ योर फिंगर्स ऑन वन ऑफ बोथ हैंड्स। द कंडीशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स। क्लो हैंड्स में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी फिंगर्स होती है, ये एक से ज़्यादा फिंगर दोनों हाथों में भी, इसमें क्या होगा, जो आपकी फिंगर्स होगी ये कर्व हो जाएंगी। इसलिए इसे कर्वेचर ऑफ फिंगर्स भी कहते हैं। कॉजेज ऑफ क्लो हैंड्स, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, नर्व डैमेज और बैक्टीरियल डिजीज, ये इसके कॉजेज हैं।
The most essential body language in classroom teaching is option A, eye contact, B, controlled movement, C, humorous, D, straight posture. Right answer, option A, eye contact. Which forceps are non-traumatic? Option A, Ellis forceps, B, Kocher forceps, C, tooth thumb forceps, D, Babcock's forceps. Right answer, option D, Babcock's forceps. Delusion is a disorder of option A, thought, B, perception, C, insight, D, conjecture. Right answer, option A, thought. Delusion disorder, previously called paranoid disorder, इसे पहले paranoid disorder भी कहते थे, is a type of serious mental illness called a psychosis. इसे psychosis बोलते हैं और यह एक serious mental disorder illness है, in which a person cannot tell what is real from what is imagined. The main feature of this disorder is the presence of delusions, which are unshakable beliefs in something untrue. For the patient with otitis media, nursing care is centered on reducing the severity or alleviating problems. Option A, dizziness and decreased hearing. Option B, fever and tinnitus. Option C, pain and pressure in the ear. Option D, nausea and vomiting. Option C, pain and pressure in the ear. First phase of therapeutic nurse-patient relationship is option A, orientation phase, B, pre-interception phase, option C, working phase, option D, termination phase, option B, pre-interaction phase. The 8-stage classification of human life is produced by option A, Sigmund Freud, option B, Pavel, option C, Strauss, option D, Erikson. Right answer, option D, Erikson. दोस्तों इस डायग्राम में आप Erikson द्वारा ह्यूमन लाइफ के क्लासिफिकेशन की जो 8 स्टेज है वो आप देख सकते हैं. दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए. Coronal epithelium is composed of A, stratified keratinized epithelium, option B, stratified non-keratinized epithelium, option C, columnar epithelium, option D, pseudo-stratified epithelium. Right answer, option B, stratified non-keratinized epithelium. What position should the nurse place the head of the bed to be obtained the most accurate reading of jugular vein distension? Jugular vein distension की actual reading लेने के लिए आप patient को bed पर कौन सी position देंगे? Option A, high Fowler's, option B, raised 30 degree, option C, raised 10 degree, option D, supine position. इसका right answer है option B, raised 30 degree. 30 degrees के अपन head को up करें, इसके बाद हम jugular vein distension की reading लेंगे. A false belief unexplained by reality shared by a number of people is option A, superstition, option B, illusion, C, delusion, D, obsession.
राइट आंसर ऑप्शन ए सुपरस्टिशियन। टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग पोजिशन मे बी गिवन। पेशेंट को अच्छे से ब्रीदिंग ले उसके लिए आप कौन सी पोजिशन देंगे? ऑप्शन ए फाउलर्स पोजिशन, बी रिक्यूम्बेंट पोजिशन, सी राइजिंग ऑफ फुट एंड ऑप्शन डी सुपाइन पोजिशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए फाउलर्स पोजिशन। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज ऑप्शन ए अप्लाइड ए सर्वाइकल हेड हल्टर, ऑप्शन बी स्किन ट्रैक्शन टू द लोअर लेग, ऑप्शन सी स्केलेटल ट्रैक्शन टू द लोअर लेग, ऑप्शन डी टर्न्स अप्लाइड टू द हेड, ऑप्शन बी स्किन ट्रैक्शन टू द लोअर लेग। दोस्तों ये डायग्राम में आपको मैंने बक्स ट्रैक्शन बताया है जो कि आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ट्रैक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए पुलिंग फोर्स टू एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी और एक्सट्रीमिटी। विच परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट डू द फोर स्टेज इन विच ऑर्डर। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, परक्यूजन, पल्पिटेशन, एस्कल्टेशन। ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, एस्कल्टेशन, परक्यूजन और पल्पिटेशन। ऑप्शन सी पल्पिटेशन, इंस्पेक्शन, परक्यूजन, एस्कल्टेशन। ऑप्शन डी परक्यूजन, एस्कल्टेशन, इंस्पिरेशन और पल्पिटेशन। राइट आंसर है इसका सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद एस्कल्टेशन मतलब सुनेंगे, फिर परक्यूजन, देन पल्पिटेशन। नेट वेट गेन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर का वेट कितना इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए 11 टू 12 केजी, ऑप्शन बी 6 केजी, ऑप्शन सी 1 केजी, ऑप्शन डी 18 केजी। राइट आंसर ऑप्शन ए 11 टू 12 केजी। ऑल द फॉलोइंग पैरामीटर डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कौन सा पैरामीटर डिक्रीज नहीं होता है? ऑप्शन ए पैक्ड सेल वॉल्यूम, ऑप्शन बी सीरम फेरटिन, ऑप्शन सी टोटल लंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। राइट आंसर ऑप्शन डी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मेंटेनेंस ऑफ एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना ड्यू टू ऑप्शन ए डोड्रिलिन बेसिलाई, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रिडियम बेसिलाई, ऑप्शन सी कैंडिडा एल्विसेंस, ऑप्शन डी ट्रैकोमोनास वेजाइनलिस। राइट आंसर डोड्रिनलिन बेसिलाई। डोड्रिनलिन बेसिलस एंड एनोरबिक लैक्टोबैसिलस नॉर्मली प्रेजेंट इन वेजाइना वेयर इज कंटिन्यूअली कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स सम पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया एंटरिंग द वेजाइनल कैनाल। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फिटस अकर्स बाय ऑप्शन ए एक्टिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी पैसिव डिफ्यूजन, सी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डी ऑस्मोसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बेस्ट सोनोग्राफिक पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ IUGR। IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ऑप्शन ए BPD, ऑप्शन बी FL, ऑप्शन सी SC, ऑप्शन डी HC। राइट आंसर ऑप्शन सी SC।
Fetal ultrasound measurement can include the crown rough length CRL, biparietal diameter BPD, femur length FL, head circumference HC, occipito frontal diameter OFD, abdominal circumference AC, and humerus length HL, as well as calculation of the estimated fetal weight EFW. Which of the following event not associated with zero hand station? Option A, engagement. B, internal rotation. Option C, deep transverse arrest. Option D, restitution. Right answer, option D, restitution. In active phase of first stage of labor, rest of cervix dilatation should be option A, 1 cm per hour, option B, 2 cm per hour, option C, 3 cm per hour, option D, 4 cm per hour. Right answer, option A, 1 cm per hour. Causes of non-engagement of head in primipara female are all except option A, placenta previa, B, polyhydramnios, option C, oligohydramnios, option D, hydrocephalus. Right answer, option C, oligohydramnios. Which of the following maneuver used to delivery of breech? A, option A, Lovest maneuver. Option B, Pinred maneuver. Option C, Burn Marshall maneuver. Option D, all of the above. Right answer, option D, all of the above. Lovest maneuver, इसमें क्या करते हैं, rotation of the trunk of the fetus during a breech birth to facilitate delivery of the arm and the shoulders. Pinred maneuvers is the sweeping या external rotation of each thigh combined with rotating the pelvis in the opposite direction resulting in the flexion of the knee. Burns Marshallo, a method of breech delivery which the head is flexed involving traction to prevent the neck from bending backwards and being fractured. Active management of third stage of labor AMTSL include all except option A, use of cytosis, option B, early cord clamping, option C, controlled cord traction, option D, intermittent uterine tone assessment. Right answer, option B, early cord clamping. Mediolateral episiotomy is which type of perineal tear? Option A, first degree, option B, second degree, option C, third degree, option D, fourth degree. Right answer, option B, second degree. From which part of brain cerebrospinal fluid is secreted? Option A, choroid plexus of brain, option B, venous sinus of brain, option C, subarachnoid space, option D, none of these. Right answer, option A, choroid plexus of brain. Choroid plexus of brain se cerebrospinal fluid ka secretion hota hai. Characteristic symptoms of catatonic schizophrenia is option A, stupor, option B, rigidity, option C, negativism,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दिया था इसका आंसर हम देख लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया के लिए हमें इरिथ्रोमाइसिन टेबलेट यूज लिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, गुड बाय।